अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है सब लोग? माशाल्लाह ठीक ठाक। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वीविंग, है वीविंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं। स्पिनिंग हमारी पूरी हो गई है, ठीक है। स्पिनिंग से पहले हमने कॉटन भी की है, जिनिंग भी की है, और स्पिनिंग पार्ट वन, स्पिनिंग पार्ट टू, स्पिनिंग पार्ट थ्री, हमने सारा स्पिनिंग कर लिया है। आज से हम लोग शुरू करेंगे वीविंग, ठीक है ना। तो जिसको स्पिनिंग आती है, चलो यार वो तो ये कोर्स डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन जिसको स्पिनिंग नहीं आती है ना, तो यार बेहतर है पहले वो सारे कोर्स करके आओ, बाद में कहोगे कॉटन क्या होता है, नैप्स क्या होते हैं, काउंट क्या होता है, फलाना ढिमाका, तो कंफ्यूज रहोगे। तो बेहतर है कि पहले स्पिनिंग कर लो। जो लोग फेसबुक पर हैं और लिंक्डइन पे हैं, वो ऊपर देखें ये लिंक आ रहा होगा मेरा पुराना वाला, तो इस पे चले जाएं, आपको इसमें पुरानी लिंक मिल जाएगी और आपको यहाँ पर जाके आप स्पिनिंग का कोर्स अटेंड कर सकते हैं। और जो यूट्यूब में वो नीचे ढूंढ लें, सारे लिंक्स रखे हुए हैं, तो आपको वहाँ पे स्पिनिंग मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं वीविंग। यार गर्मी नहीं है कुछ है? गर्मी लग रही है मुझे, तो पसीना भी आ रहा है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं वीविंग। देखो वीविंग जब हम शुरू करेंगे ना, तो हमें कॉन्सेप्चुअली एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। वीविंग है क्या, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वार्प, वेफ्ट, एंड्स, पिक्स, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। फिर इसमें आपने सुना होगा एयर जेट लूम होती है, वाटर जेट लूम होती है, ठीक है, फिर पावर लूम होती है, ऑटो लूम होती है, शटरलेस लूम होती है, ये सारी कॉन्सेप्ट हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसको समझो बैठ के, ठीक है ना। फिर इसमें प्लेन वीव होती है, डॉबी वीव होती है, जकार्ड वीव होती है, ये प्लेन, ये डॉबी, ये जकार्ड, ठीक है ना। ये अलग अलग वीव्स होती हैं, बहुत बड़ी साइंस है भाई, बहुत बड़ा समंदर है। मैं आपको समंदर में तक डीप डाउन लेके नहीं जाऊंगा। देखो मैंने आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बनाना है, मैंने तो आपको एक बेसिक्स टेक्सटाइल्स के बारे में बताना है, ताकि आपको टेक्सटाइल का बेसिक पता हो, वीविंग, फैब्रिक वीविंग क्या होती है, ठीक है ना। अब हम जब वीविंग में स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले कुछ चीजों को स्टार्ट करें कॉन्सेप्चुअली। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए वीविंग क्या होती है। सारा इस समंदर, जितना भी समंदर है वीविंग का, उसमें एक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। वो क्या है, जैसे मैं पहले समझाता हूं, समंदर के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि समंदर पानी से बनेगा। समंदर जो है ना, वो पानी से बनेगा, ये पहला कॉन्सेप्ट है। समंदर के अंदर, समंदर रेगिस्तान में नहीं बनता, समंदर पानी में बनता है, समंदर जंगल में नहीं बनता, समंदर पानी में बनता है। तो पानी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। वीविंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वीविंग में इंटरलॉकिंग होगी या इंटरलेसिंग होगी। आसान जवाब में बोले तो इसको समझ लो, जैसे ये मिसाल दे रहा हूं, ये फर्ज करें धागे हैं, ये यूं मैं आपको दिखाता हूं, ये धागे हैं, ठीक है ना। ये धागे यूं जा रहे हैं, सीधे वर्टिकली जा रहे हैं। अब ये धागों के अंदर से ना, ये धागा इस तरह घुसेगा, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, और ये लॉक हो जाएगा। ये जो लॉक होने की जो सिस्टम है ना, ये है बेसिक वीविंग प्रोसेस। बेसिक अभी हम खोलेंगे सारा कि वीविंग होती क्या है, वीव कैसे होता है। देखो वीविंग करने का जो पहला बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ लो, कुछ धागे यूं जा रहे होंगे, कुछ धागे यूं जा रहे होंगे, इसे वर्टिकल कहेंगे, ऊपर से नीचे वर्टिकल जा रहे होंगे, और कुछ धागे यूं जा रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल जा रहे होंगे, ठीक है ना। और हर वर्टिकल धागा हॉरिजॉन्टल धागे के अंदर घुस रहा होगा, घुस रहा होगा, घुस रहा होगा। एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं, फर्ज करो ये लूम है, या ये धागे बन रहे हैं, या आपको सब समझाने के लिए दिखा रहा हूं। और से देखो यहां पे देखो, इधर नहीं, इधर देखो, ठीक है ना। अब ये है, अब ये धागे मैं इस तरह ले जाता हूं, अब मैं इनको ऐसे कर देता हूं, दो धागे मैंने ऊपर कर दिए, दो धागे मैंने नीचे कर दिए, नजर आ रहा है, दो धागे ऊपर, दो धागे नीचे। ये है वार्प, ये है वार्प, या यूं समझ लो कि ये वो है जो वर्टिकल धागे चल रहे हैं। इसके अंदर से ये देखो, देखो बल्कि यहां से देखो, ये मैंने एक साइड से धागा घुसेड़ा इसके अंदर, ये मैंने एक साइड से धागा घुसेड़ा इसके अंदर, ये मैंने साइड से धागा घुसेड़ा इसके अंदर, ये मैंने साइड से धागा घुसेड़ा इसके अंदर। अब जो ये ऊपर वाले हैं, ये ऊपर वाले हैं, अगर आपको देखो, ये नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। ये इससे इंटरलॉक हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं, फिर दूसरा धागा इसी तरह, इस तरह होगा, तो ये इस तरह बनता जाएगा, कपड़ा 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 बनने का प्रोसेस। परेशान नहीं हो, ये तो मैं आपको एक बुनियादी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अभी सब खोलेंगे, अभी पूरा सब इसके फेफड़े, गुर्दे, दिल, जिगर सब निकालेंगे। परेशान ना हो, बिल्कुल घबराना नहीं है। अपने इमरान खान भाई क्या कहते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है ना, तो घबराओ नहीं। ये वीडियो तकरीबन 15 से 20 मिनट की एक बनेगी, और जैसी 4-5 वीडियोस बनेगी तो जाके वीविंग पूरा होगा। स्पिनिंग हमारी कोई 3 वीडियोस में पूरी हुई है। बहुत लंबे टॉपिक होते हैं यार, आसान काम थोड़ी होता है, पूरी पूरी साइंस समंदर बैठ के आपको लेना पड़ेगा। अब आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो आपने सीख रहे हैं, तो इतना तो आपको समझ आ गया हो कि वीविंग क्या है, वीविंग क्या है, ठीक है ना। अब आपको जो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, इसमें 4 बातें समझनी सबसे पहले बहुत जरूरी है। 4 बातें, वार्प, वेफ्ट, एंड्स, पिक्स,
ठीक है, ये चार चीजें आपको समझनी जरूरी है। वाट, वाट कहते हैं वो धागे जो लंबाई में या वर्टिकल चल रहे हो, धागे को नहीं कहते, धागा को कहते हैं, धागा, धागे नहीं, धागा, एंड्स कहते हैं धागे को, वो धागा जो लंबाई में या वर्टिकल चल रहा हो, जो चल रहा हो, उस धागे को वार्प कहते हैं। वार्प, ये बात समझ लो पहले, वार्प किसे कहते हैं, जो लंबाई में धागा चल रहा है उसे वार्प कहते हैं, ये हो गया वार्प। वेफ्ट कैसे कहते हैं, जो जो इसके हॉरिजॉन्टल इसको क्रॉस कर रहा होता है, क्रॉस कर रहा होता है, इसे कहते हैं वेफ्ट। यार ये आप लोग एनिमेशंस भी साइड साइड में देखते रहो, ये मैंने इसीलिए लगाए आपको एनिमेशंस, ताकि आप एनिमेशंस का आइडिया लगाते रहो कि वार्प और वेफ्ट और ये सब क्या होता है। तो वार्प क्या, वार्प उस धागे को कहते हैं, धागे, एक सिंगल धागे की बात कर रहा हूं मैं, वार्प उस धागे को कहते हैं जो लंबाई में चलता है, ये हो गया वार्प, ठीक है। और वेफ्ट वो धागा जो चौड़ाई में चलता, यानी हॉरिजॉन्टल चलता है, तो ये हो गया हमारा वार्प, ये हो गया हमारा वेफ्ट, ठीक है ना, ये हो गया वार्प वेफ्ट, ठीक है। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं यार समझाने के लिए, वार्प क्या है, वेफ्ट क्या है, एंड्स क्या है और पिक्स क्या है, एंड्स और पिक्स, एंड्स उन धागों को कहते हैं, नंबर ऑफ थ्रेड्स, धागों को कहते हैं जो लंबाई में चल रहे हैं। कंफ्यूज हो गए ना, कि वार्प भी वही है, एंड्स भी वही है, ओहो, वार्प एक धागे को कहते हैं जो लंबाई में चल रहा है, तो वार्प के साथ वार्प काउंट आएगा, यानी वार्प की चौड़ाई, कितना मोटा धागा है, पतला धागा है, इसीलिए जब हम लिखते हैं ना वार्प, तो हम लिखते हैं 20 सिंगल का वार्प है या 30 सिंगल का वार्प है, उसकी चौड़ाई डेंसिटी बता रहा होता है, ये वार्प है वार्प। एंड्स नंबर ऑफ थ्रेड्स बताते हैं कितने, एक स्क्वायर इंच के अंदर, एक इंच होता है ना, यू इंच, यू इंच, यू इंच, यू इंच, ये हो गया एक स्क्वायर इंच, पहले स्क्वायर बना लो, हर तरफ से एक इंच कर लो, एक स्क्वायर इंच के अंदर जितने धागे यूं चल रहे हैं, इन्हें रीड कहते हैं या इन्हें एंड्स कहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको एंड्स का एक कॉन्सेप्ट बताया, ये हो गया एंड्स। वार्प का जो धागा है वो कितने चल रहे हैं, एक स्क्वायर इंच के अंदर या एक स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर, ये हो गया आपका क्या हो गया, यह हो गया, यह आपका हो गया एंड्स। पिक्स क्या होते हैं, जो वेफ्ट के धागे होते हैं, वेफ्ट क्या होता है, वो धागा जो हॉरिजॉन्टली चल रहा हो, वो धागा जो जो हॉरिजॉन्टली चल रहा हो, हॉरिजॉन्टली धागा चल रहा हो, ये देखो, ठीक है ना, उस धागे को वेफ्ट कहा जाता है, धागे को कहा जाता है। और नंबर ऑफ थ्रेड्स, जितने धागे, जितने धागे एक स्क्वायर इंच के अंदर या एक स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर चल रहे होंगे, उसे उसे पिक्स कहा जाएगा, पिक्स, ठीक है ना। तो वार्प उसकी चौड़ाई बताएगा कि कौन सा धागा है जो लंबाई में चल रहा है, एंड्स नंबर ऑफ थ्रेड्स जो एक स्क्वायर इंच या एक स्क्वायर सेंटीमीटर में चल रहे हैं, वेफ्ट उसकी चौड़ाई बताएगा जो हॉरिजॉन्टली चल रहा है, और पिक्स उस नंबर ऑफ थ्रेड्स जो एक स्क्वायर इंच या एक स्क्वायर सेंटीमीटर में चल रहे हैं, वार्प, वेफ्ट, एंड्स, पिक्स, ठीक है, ये बनती है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक कंस्ट्रक्शन है, ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन है 16, 12, 96, 48, क्या है, 16, 12, 96, 48, ये 16 जो है वो 16 सिंगल के काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी चौड़ाई, धागे की चौड़ाई, वार्प काउंट, वार्प काउंट है 16 सिंगल, ठीक है ना। 16 और 12 क्या है, 12 वेफ्ट, जो वेफ्ट चल रहा है उसका काउंट, उसकी डेंसिटी क्या, जी जी, 12 सिंगल का धागा जो हॉरिजॉन्टल चल रहा है और 16 सिंगल का धागा जो है वर्टिकल चल रहा है, ये सिर्फ डेंसिटी बता रहे हैं। एंड्स, एंड्स, ये देखो, एरो देख रहे हो, एरो देख रहे हो, ये देखो एरो नजर आ रहा है, ये एरो का मतलब हुआ कि वार्प के जो 16 सिंगल के चौड़ाई के धागे हैं, चौड़ाई वो 96 धागे एक स्क्वायर इंच के अंदर चल रहे हैं, ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ वार्प। तो वार्प के साथ चलेगा एंड्स, और 48, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, पिक्स का मतलब क्या हुआ, पिक्स का मतलब क्या हुआ कि 16 बार 12 सिंगल काउंट मोटाई के 48 धागे एक स्क्वायर इंच में चल रहे हैं, ये हो गया 16, 12, 96, 48, ये मैंने आपके कॉन्सेप्ट बताया। इसमें आगे बहुत लंबे लंबे कॉन्सेप्ट हैं, तो वो आपको दूंगा, थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं मैं आपको थोड़ा सा। अब आप ये कंस्ट्रक्शन देखो, नहीं, ये कंस्ट्रक्शन नहीं, देख रहे हो, 10 सिंगल, 10 by 300 D बाय कितना लिखा हुआ है, ये क्या है, 72, 44, यहां पे का मतलब हुआ कि 10 सिंगल का धागा हमारा वार्प में चल रहा है और 10 सिंगल का,
10 सिंगल के 72 धागे एक स्क्वायर इंच में चल रहे हैं। डी का मतलब हुआ कि 300 डेनियर, डेनियर क्या है, पॉलिएस्टर की जो थिकनेस होती है, वापस जाओ जाके सीख कर आओ, वो उसमें स्पिनिंग में सब बताया हुआ मैंने, ठीक है, दोबारा नहीं बताऊंगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जो 300 डेनियर है, 300 डेनियर थिकनेस का पॉलिएस्टर का धागा वो चल रहा है, उसके उसके 48 धागे या 44 धागे चल रहे हैं एक स्क्वायर इंच के अंदर। ये है आपका कॉन्सेप्ट वेफ्ट एंड स्पिक्स, इससे बनती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन को समझना बहुत जरूरी है। 10 मिनट हो गए ये समझाते समझाते, मुझे अल्लाह माफ फरमाए, 4-5 वीडियोस में तो नहीं होने वाला, ये क्या ख्याल है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये अलग अलग लूमों पे बनता है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो मैंने शुरू में बताया आपको, इंटरलॉकिंग होती है वो कॉन्सेप्ट अपनी जगह रहेगा, फिर वार्प वेफ्ट एंड स्पिक्स ये रहेगा, कंस्ट्रक्शन ये रहेगा, सब कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा। अब ये कपड़ा चंद मशीनों पे बनता है, मशीनों पे, उनमें कहा जाता है एक वाटर जेट की मशीन होती है, एयर जेट की मशीन होती है, शटललेस की मशीन होती है, पावर लूम की मशीन होती है, ऑटो लूम की मशीन होती है, ये 5 तो मुझे पता है, इसके अलावा कोई और भी होती होंगी यार, ये वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो अलग अलग मशीनों पर बनता है, मैकेनिज्म सबका एक ही होगा, यानी सिस्टम ये होगा, वार्प वेफ्ट एंड स्पिक्स, कोई चीज चेंज नहीं होगी, ये चीज इसके अंदर बनेगी, ये चीज इसके अंदर बनेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं किया जाएगा। पानी को चाहे रूह अफजा में मिलाओ, वो जामशीरी में मिलाओ, क्वाइस में मिलाओ, वो जो शेजान के शरबत में मिलाओ, या जिसमें भी मिलाओ, शरबत के फ्लेवर्स चेंज होते रहेंगे, कंपनियां चेंज होती रहेंगी, पानी अपनी जगह वैसे ही रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ वार्प वेफ्ट एंड स्पिक्स हमेशा वैसे रहेगा। इस तो ये अलग अलग। अच्छा अब लूमों के मैकेनिज्म क्या है, कि वाटर जेट किस तरह काम करती है, एयर जेट कैसे काम करती है, शटलेस कैसे काम करती है, पावर लूम कैसे काम करती है, ऑटो लूम कैसे काम करती है, वो उनके फंक्शन डिफरेंट है, वो फंक्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, फंक्शंस कैसे होते हैं, कैसे वो चलते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा, फंक्शंस डिफरेंट होंगे, किसी की स्पीड तेज होती है, कोई हवा के प्रेशर से चल रहा होता है, किसी को शटल लेके जा रही होती है, अलग 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 कहानी है, वो पूरा खोलेंगे बैठ के, परेशान ना हो। इसके अंदर 3 किस्म की वीव्स बनती हैं, वैसे तो शायद और भी बनती हो, मुझे तो 3 ज्यादा पता है, प्लेन वीव, डॉबी वीव, जकार्ड वीव। प्लेन क्या होती है, प्लेन ऐसी होती है, ये जो आप बेडशीट वगैरह में होती है ना, ये सब प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये नॉर्मल प्लेन चलती है। डॉबी इस तरह की होती है, ये डॉबी 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 वीव्स होती हैं, ठीक है ना। और जकार्ड इस तरह की होती है, पूरी पूरी शक्ल बना लो बैठ के तुम उसके अंदर, पूरी देखो ये पूरी पूरी शक्लें बैठ के बनाओ बैठ के उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये डॉबी वीव्स होती है। एक मरतबा मैंने एक जकार्ड ये जकार्ड है, ये गलती हो गई मुझसे, तो जकार्ड एक मरतबा क्या हुआ, वो एक कस्टमर आ रहा था हमारा, बहुत बड़ा कस्टमर था ना, तो वो हमारी कंपनी में आ रहा था, उसको मैंने ग्रैब करना था। कस्टमर को कैसे ग्रैब करूं, तो मैंने खूबसूरत नैपकिन्स लिए और नैपकिन्स में जकार्ड के वीव करा दिया उसका नाम। अब जब वो कस्टमर आया मेरे पास और उसकी कंपनी का नाम उसके सामने ठक करके मैंने रखा, ओए होए होए, वो तो ऐसा इंप्रेस हुआ है कि जकार्ड के अंदर पूरा वीव करके उसकी कंपनी का नाम सामने रख दिया बैठ के, हम लोग आधे ऑर्डर तो उसने वहीं दे दिए। खैर ये तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने बताया, तो ठीक है ये बेसिक मैंने आपको आज स्टार्ट कर दिया है, मगर मेरा ख्याल है अभी हमारे इसके 4-5-6 कोर्सेज होंगे वीविंग के। वीविंग बहुत लंबा टॉपिक है यार, इसमें सारा भी खोलेंगे, फिर वीविंग खोलेंगे, फिर एक पन्ना, फिर तौलिया है इसके अंदर सबसे बड़ा मसला है, इसमें तौलिया बनता है, इसमें बेडशीट बनती है वीविंग के अंदर, फिर इसमें अपैरल गारमेंट्स बनते हैं वीविंग के अंदर, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, फिर यार्न डाइट चलता है, एक तो प्लेन, ये देखो प्लेन चल रहा है, फिर इसके अंदर ये यार्न डाइट चल रहा है, तो इट्स अ होल साइंस, बहुत बड़ी साइंस है। तो ये करेंगे यार, आज पता नहीं गर्मी क्यों लग रही, इतना पसीना आ रहा है, अल्लाह माफ करे, मैं तो समझ नहीं आ रहा, ये मेरी वाइफ बैठी है, देखो मुझे देख के हंसनी है, अल्लाह माफ करे, ठीक है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अब देखो मेरी बेगम मेरे सामने आगे बैठ रही, तो मुझे तमीज से वीडियो बनानी पड़ गई ना, तो तमीज तहजीब से देखो मैं क्या करूं बैठ के, ठीक है ना। अब शीन शक्ल दिखाऊंगी अपनी, अच्छा भाई वो हाथ जोड़ रही है कि भाई शक्ल वगल नहीं दिखानी, तो चलो ठीक है, खैर क्या कर सकते।